यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 10 मिनट से ज़्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्तों 16 से 25 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जिसमें या तो आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या तो आपकी ज़िंदगी निखर सकती है। दोस्तों आज तुम अपने आप से एक सवाल करो, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़े पर जीऊँगा, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भी भिखारी की तरह मेहनत करना पड़ता है, और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह दफनाना भी पड़ता है। लोग पढ़ने का मन बनाते हो, फिर बोलते हो कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, एक तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा, ऐसे कब तक बोलोगे, कल कल कब तक करोगे। एक दिन वो भी दिन आएगा जिस दिन आपके पास कल भी नहीं होगा। ऐसे कल कल करके और कितना उल्लू बनाओगे खुद को। जरा एक बार उन लोगों के बारे में भी सोचो जो तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, और तुम 5 मिनट के लिए भी पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं हो। आज ही तय कर लो तुम्हें क्या करना है, नहीं तो ये ज़िंदगी तय कर लेगा तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें हटा दो जिनका तुम्हारा गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तू थोड़ी सी तो कोशिश कर मेरे भाई, अगर तू 5 मिनट भी पढ़ पाया ना तो तेरे अंदर वो फीलिंग्स आएगी जो तुझे आने वाले 5 घंटे तक पढ़ने का मजबूर कर देगा। तू कोशिश तो कर मेरे भाई, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, जो आज भी सबको मोटिवेट करती रहती है। जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। तो ऐसा मोटिवेशन ढूंढ लो जो तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, तो उनके लिए पढ़ लो जो तुम्हें हर रोज चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लो तुम, क्योंकि तुम उनके उम्मीद हो। अपने अंदर एक जिद रखो कि मुझे पढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में सफल होना है। बस ये पॉजिटिव माइंड सेट अपने दिमाग में फिट कर लो, बस खुद से ये वादा करो कि मैं कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं मानूंगा।